बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर्रहमान शामी साहब। शामी साहब, यकम मई है, यौम मज़दूर है, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में। कल जो साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब से मंसूब स्टेटमेंट सामने आई, साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से, जो लाहौर में मौजूद जितने भी पीपल्स पार्टी को कवर करने वाले सीनियर सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ चैनल्स अखबारों से वाबस्ता, उन्होंने मिनवान मोर लेस 19-20 का इजाफा कर कमी बेशी के साथ वही खबरें उन्होंने दी अपने अपने चैनल्स पे, वो शाया हुई, नशर हुई, उस पर बहस हुई करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स में। आमिर फिदा प्राचा साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया कि नहीं, जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब के बारे में ऐसा कोई बयान नहीं दिया। सईद गनी साहब ने कहा कि जी मेरे इल्म में ये बयान नहीं है। अब कुछ देर पहले हामिद मीर साहब अपने चैनल पर यह कह रहे थे कि जरदारी साहब ने अपने बयान को ओन नहीं किया, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन इससे हटके कल जब उनकी स्टेटमेंट्स चली तो उस पर सबसे पहला रद्दअमल आया ख्वाजा आसिफ साहब के, साबिक वज़ीर ख़ारजा का। उन्होंने तो बहुत लंबी कहानी सुना दी कि कैसे कैसे हमने ने हेल्प आउट किया, कैसे ये पार्टी का कायदा संभालना चाहते थे, कैसे अमीन फ़हीम साहब मरहूम को साइडलाइन किया गया वगैरह। आज फिर नवाशी साहब का बयान भी आ गया, उन्होंने भी दिल की भड़ास निकाली है जरदारी साहब के जो इल्ज़ाम थे उसके हवाले से। तो वो मौजू बड़ा गर्म था, लेकिन अब तो ये डायल्यूट होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बज़ाहिर ये लग रहा है कि उन्होंने ओन नहीं की अपनी स्टेटमेंट को। फिर जो हज़ारा बरादरी क्वेटा में सरापे एहतजाज है जी, एक माह में 4 बार उनके बरादरी के लोगों पर हमला किया गया है, दुकानदार मुख्तलिफ उसमें शहीद हुए हैं, एहसन इकबाल साहब भी गए हैं, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुई। उस पर भी हम गौर करेंगे कि वो मामला है क्या। लेकिन सबसे पहले अगर आप इजाज़त दें तो राना सनावला साहब का जिक्र कर लूँ। शबाशि साहब ने कुछ देर पहले जो सहाफ़ियों के वफ़ से मुलाकात की है उसमें उन्होंने कहा कि अगर उनके बयान से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो वो माजरत करते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के दोस्त ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने माजरत ना की 48 घंटों के अंदर शबाशि साहब ने उनके बयान पर, अली जैदी एंड कराची के जो दीगर तहरीक इंसाफ की क़यादत है, तो हम गवर्नर हाउस कराची में जूते उठा कर जाएंगे और एहतजाज करेंगे। कल वफाकी मौसिफ खातून के यहाँ भी ये खत जमा करवाया जा रहा है, पंजाब असम्बली में करारदाद मजम्मत जमा हुई है, कौमी असम्बली में भी एहतजाज किया जाएगा। तो सोशल मीडिया में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद की जा रही थी, कल आपने भी खासी मजम्मत और मुरम्मत की, तो उस पर राना सनावला साहब से मेरी कुछ देर पहले बात हुई। कहते हैं तो सुनाओ फिर। सुना दें आप। देख जी, अब तो वो जब शहबाज शरीफ साहब ने अगर माजरत कर ली है तो फिर पीटीआई के लोग जो हैं उन्होंने तो उनकी एक्टिविटी जो है तो मुख्तलिफ हो जाएगी, यानी अगर उनके जज्बात जो हैं उनकी तस्कीन हो गई है। लेकिन वो बज़ाहिर ऐसी सूरत नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि राना सनाउल्ला साहब जो है ना उनसे भी मुतालबा है कि आप माजरत करें, जो उन्होंने मुझसे जो गुफ्तगू उनकी हुई ज़रा वो देखिए, फिर आप उस पर बेहतर तबसरा फरमा सकेंगे। देखिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर कानून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्ला साहब। राना साहब, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 29 अप्रैल को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसा हुआ, उस जलसे के बाद आपने उस पर तबसरा किया, तबसरा करते हुए आप उस जलसे में मौजूद जो खवातीन थीं उस हवाले से भी आपने कुछ रिमार्क्स दिए, मैं वो दोहराना नहीं चाहूँगा। उसके बाद सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप हर जानिब से आपके उस बयान पर मजम्मत की जा रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्तों ने तो पंजाब असम्बली में आपके खिलाफ एक करारदाद भी जमा करा दी है। आपको लगता है कि कुछ अल्फाज ऐसे थे आपके उन रिमार्क्स में जो दुरुस्त नहीं थे, बाद में आपको भी उस पर पशिमानी हुई हो? देखिए जामी साहब और मोहतरम शामी साहब, मैं ये अर्ज करूंगा कि मैंने जो कोई तकरीबन 20 मिनट की मीडिया टॉक की है उसमें से सिर्फ 10 सेकंड की बात को उठा के जो है वो पीटीआई के सोशल मीडिया ने जो है ये सारा जो है वो इशू उछाला है। मैंने सिर्फ 30 अक्टूबर और 29 अप्रैल के जलसे में जो क्राउड था उस क्राउड को जो है वो एनालाइज किया, और मैंने स्पेसिफिकली किसी भी सियासी कारकुन मेल हो फीमेल हो मैंने किसी की जात के मुतल्लक बात नहीं की, मैंने जनरल बात की, और मैं खुद एक सियासी कारकुन हूँ। और आपके कुछ जुमले ऐसे हैं जो हमने कल भी प्रोग्राम में नशर किए, आज भी नशर करने को मैं तैयार हूँ, लेकिन बसाद एहतराम वो जुमले काबिल एतराज थे। मेरी बात सुन कि मैं किसी भी सियासी कारकुन को मेरी जमात का हो या किसी जमात का, मैं उसके उसकी शान में या उसके किरदार पे मैं कोई ऐसी बात करने का ना सोच सकता हूँ, ना मेरी कोई इंटेंशन थी। लेकिन मामला ये है कि अब ये बात है पीटीआई से, मुझे ये बताएं कि मैंने तो जनरल बात की है, तो जो लोग स्पेसिफिक और टारगेट करके जो है वो सियासी कारकुनों की जो है वो तजहीक करते आ रहे हैं, इसमें आयशा गुलेली का मामला ले लें,
शीरी मजारी उनकी लीडर है, उनकी बेटी का मामला ले लें, क्या वो सियासी कारकुन नहीं है, क्या वो खवातीन? राणा साहब, बट टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट ना। मसला ये है कि वो आप उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप एक बड़े संजीदा मुदब्बर और सीनियर सियासतदान है पंजाब में, और कमिंग आउट फ्रॉम योर माउथ। जामी साहब, इस बात को चले यहाँ पे खत्म करते हैं कि पीटीआई जो है वो अपनी ही सीनियर कारकुन शीरी मजारी साहबा से माजरत कर ले, और आयशा गुलेले के मुतालबे पे इमरान खान साहब जो है माजरत ना करें, सिर्फ अपना ब्लैकबेरी सरेंडर कर दें। मैं उनसे 10 मरतबा माजरत करने को तैयार हूँ। लेकिन राणा साहब, वो तो आप फिर सियासी कंपैरिजन में आ गए हैं ना कि वो करें तो फिर आप करें। आपका कदकाठ या आपका पार्टी में जो पोजीशन है, जिस तरह से पंजाब में उसको देखते हुए आपके मुंह से ऐसे अल्फाज निकलें, देखें आबिद शेर अली साहब लूज टॉक करते हैं, तलाल चौधरी साहब करते हैं, सबको उनका इल्म हो चुका है कि उनका मिजाज कैसा है, लेकिन कमिंग आउट फ्रॉम यू काफी हैरानकुन था। और तो और हमारे कई सहाफी दोस्तों ने, खवातीन ने अब ये लिखा है कि वो आपका बॉयकॉट करेंगी जब तक आप खवातीन के बारे में अपने रिमार्क्स वापस नहीं लेते। यानी आपने पर्टिकुलर आपका एक जुमला जो मैंने कल नशर किया, खवातीन के हवाले से आपने उनके डांस और उनके नाच के ऊपर जो निशाना उंगली उठाई और जिस तरह से जुमला कसा, वो तो नाकाबले वजाहत है। उस पर तो उसको वापस लेना चाहिए सर, आपको बड़ेपन का मुजाहरा करेंगे अगर आप वापस लेते हैं उस जुमले को। तो देखिए जामी साहब, मैंने तो बिल्कुल कहा है कि आपके कहने पे और शामी साहब के कहने पे मैं ऐसे 10 मरतबा वापस लेने को तैयार हूँ, लेकिन जो लोग इस वक्त जो है वो मेरे मुझे निशाने पे रखे हुए हैं, आप उनको तो माफ ना करें, आप उनको तो एक साइड पे ना करें। जो मैंने बात की है इमरान खान साहब के मुतल्लक और पीटीआई के दूसरे लोगों के मुतल्लक, जो सियासी कारकुनों को हरासा करते हुए जो है वो उनको नकाह की मैसेज दे और उनको डर्टी मैसेज करें, आप उनको मेरी आड़ में जो है वो बिल्कुल उनको क्लीन चिट तो ना दें आप। नहीं, हमारा काम अभी आपसे बात हो रही है, अभी आपका ताजा बयान है वही जेरे बहस है और आपका कंडक्ट जेरे बहस है। जो हो चुका उस पर भी हम तबसरा कर चुके हैं, जो हो चुका जिन वाकयात की निशानी जिन वाकयात की निशानदेही आप कर रहे हैं, यकीन जाने इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पर हर ऐसी लूज टॉक की मजम्मत की गई है भरपूर तरीके से, बिलखसूस शामी साहब की जानिब से। चले, बात यह है कि मैं आपके और शामी साहब के कहने पे मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। आप इमरान खान का ब्लैक बेरी जो है वो सरेंडर करवाने के मुतालिक जो है ना, ये आप वादा करें कि आप उससे बात करेंगे और करवाएंगे। ये देखें, आपने एक सीनियर सियासतदान होने का सबूत दिया कि आपने अपने अल्फाज वापस लिए। यकीन जाने कई ऐसे पोलिटिकल कारकुनान मुखलिस जिनकी कल दिल दुख है उनका आपके इस बयान से, यही मकसद था कि आपसे हम बात करें। किसी का कद या कात इससे छोटा नहीं होता सर, और जहाँ तक इमरान खान साहब का मुतालबा है ना, बिल्कुल नहीं जी जामी साहब, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता। मेरे लिए तमाम सियासी कारकुन जो है वो उनका तल्लक किसी खास से हो, मेरे लिए वो बायस इज्जत है, बायस एहतराम है। लेकिन देखें, बात ये है कि आप 20 मिनट की गुफ्तगू में से 10 सेकंड की बात को उठा लें और उससे फिर पूछ करें कि इन दोनों जलसों 30 अक्टूबर और 29 अप्रैल के ऊपर जो नेसेस का होके क्रिटिसाइज हो रहे थे, आप उस पूरे क्रिटिसिज्म को जो है वो टर्न कर दें इसकी तरफ। ये देखें ना, ये आपकी आपकी दानिस्त है, आपकी दानिस्त है जिसके मुताबिक आप अपना वजाहत दे रहे हैं। लेकिन सर मसला पता है कि आपकी 20 मिनट की गुफ्तगू कल मैंने सुनी थी सारी, सुनिए ना जी, मैंने आपकी गुफ्तगू कल तमाम की तमाम सुनी थी। यकीन जाने उस गुफ्तगू में उसी जुमले को इसीलिए उठाया गया कि वही एक जुमला जो है वो काबिल एतराज़ था और इंतहाई काबिल एतराज़ था। इसीलिए तो फिर आज सोशल मीडिया हो या कई खवातीन हमारी फीमेल जर्नलिस्ट हूं या तमाम सियासी जमातों के कारकुनान या रहनुमा हूं, वो मुजम्मत करते दिखाई दी। और बड़ा अच्छा कि आपने अपना बयान वापस लिया। लेकिन बात यह है कि उस एक जुमले को 10 सेकंड को उठा के आप अपना वजन उस पलड़े में ना डालें कि ये जो इस दिन दोनों जलसों का 30 अक्टूबर और 29 अप्रैल का जो एनालिसिस हो रहा है उसको जो है वो आप टर्न कर दें इसके ऊपर। ठीक है, चले, अभी तक तो यही है कि आपने अपना बयान वापस लिया और आप ये कह रहे हैं कि आप तमाम सियासी जमातों के तमाम कारकुनान, चाहे वो खवातीन हों या मर्द हों, आप उनकी इज्जत करते हैं। एम आई राइट सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बेशक बेशक, बहुत 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 शुक्रिया जनाब राणा सनावला साहब इस वक्त हमारे साथ। जी बिल आखिर उन्होंने बयान तो वापस ले लिया है, माजरत शबाशी साहब ने कहा उनको पूरे फराख लली के साथ अगर मगर किए बगैर इसको वापस लेना चाहिए था। जरिए जो कुछ भी हुआ, मगर जो
शहबाज शरीफ साहब ने भी अखबार नवीसों के एक वफद से मुलाकात करते हुए ये बात की है, वो बाकायदा बयान जारी करें इस पर जी। और बाकायदा माजरत करें और इस पर तो बल्कि मेरा ख्याल मलिक अहमद खान जी, मलिक अहमद खान साहब ने जो के पंजाब हुकूमत के तर्जमान है, फिर खुर्रम दस्तगीर साहब ने अपने ट्विटर पे दस्तगीर अपने वो भी इसकी मजम्मत कर चुके हैं, इससे बैरत का ऐलान कर चुके हैं। देखिए बात यह है कि राणा साहब हों या कोई और साहब हों, सब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन हर एक को अपनी ज़ुबान जो है वो एहतियात से खोलनी चाहिए, एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए और सियासत को एक गदला नहीं करना चाहिए, गदले से गदला, जितनी गदली है उसको ज़रा साफ़ करने की कोशिश करें, उसमें मज़ीद गंदगी डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब जो एक और जो रुख है सियासत का वो भी धुंधला सा दिखाई दे रहा है, मेरे तो मुराद नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के जो जरदारी साहब से जो बातें मंसूब हुई बड़ी तफसील के साथ वो मीडिया पे नशर हुई हैं और अखबारात में भी उसके बाद छपी हैं और फिर उनको भी यानी एक आज जो तरदीद आई है कि हामिद मीर साहब ने जो गुफ्तगू की जरदारी साहब से और फिर उन्होंने कहा कि मैंने इस तरह की गुफ्तगू नहीं की, उसकी बजाय जरदारी साहब को वाज़े तौर पर ख़ुद बयान जारी करना चाहिए था, क्योंकि जो पराया मालूम होता है वो तो यह है कि जरदारी साहब ने अपने कुछ पार्टी के लोगों से मुलाकात में बातें की हैं, उनके मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए हैं और नवाज शरीफ साहब से अपने ताल्लुकात में कशीदगी की कहानी बयान की है। सर वो कहते हैं कि मुझे जो वो बयान जिसकी तरदीद हो रही है, नवाज शरीफ ने मुझे एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाकर खुद हाथ में ला लिया, मैंने मुशरफ के मुवाक़े का ऐलान किया तो नवाज शरीफ पीछे हट गए, हर मौके पर उन्होंने मुझे बेचा और मुशरफ के मुवाक़े से लेकर ईंट से ईंट बजाने तक के बयान तक धोखा दिया गया। अब ये तो मैंने सियासत की, नवाज शरीफ ने तिजारत की। देखिए ये तो उनसे मनसूब बातें थी ना, अब इससे लगता यूं है कि उन्होंने ये जो गुफ्तगू की वो अशात के लिए नहीं की थी, कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं था, वो अपने साथियों से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने आकर बाहर उसकी तफसील बयान की होगी ये और वो इस तरीके से नशर हुई। ये जो आपने अभी नुक्ता उठाया कि अपने साथियों से की अशात के लिए नहीं थी, इसी को सुलझाने के लिए जिन साहब ने हमारे चैनल को ये खबर दी, हमारे बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं जनाब लियाकत अंसारी साहब, पीपल्स पार्टी को एक अरसे से कवर कर रहे हैं, वो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी के उमूर पर बड़ी नज़र रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी जनाब मुर्ज़ा सोलंकी साहब वो भी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उन्होंने भी इसका अहाता कर रखा है। तो सबसे पहले लियाकत अंसारी साहब, अस्सलाम वालेकुम सोलंकी साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कहते हैं जी पहले उनसे मालूम करें कि उनके क्या जरिया था, क्या खबर दी, किस तरह उन तक पहुँची, क्यों जी अंसारी साहब? अजी बिल्कुल, सूरत हाल यह है कि जहां तक आसिफ अली जरदारी का यह दावा है कि उन्होंने बयान नहीं जारी किया, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी ने या बिलावल हाउस से इस किस्म का कोई बयान जारी नहीं हुआ, ये बात उनकी वाकईतन दुरुस्त है। लेकिन जरदारी साहब एक हफ्ते से लाहौर में बिलावल हाउस में पार्टी की सीनियर लीडरशिप और पार्टी अहदेदारों से मुलाकातें कर रहे हैं जिसमें ये तमाम चीजें डिस्कस हुई है। अगर बात की जाए पार्टी के कंटेंट की, और आज बिलावल भुट्टो ने भी जो बात की है कि मेरे वालिद साहब ने नवाशी के बारे में बहुत कुछ दिया है, मुझे अब उसके बारे में मजीद बात करने की जरूरत नहीं, तो जो कंटेंट है वो पार्टी की लीडरशिप में डिस्कस हुआ है और उसमें ये तमाम बातें बताई गई हैं, हत्ता के उस शख्स का नाम भी इस मीटिंग में बताया गया है जिसने ये तमाम पैगाम रसानी की और वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जाने जाने वाले ब्यूरोक्रेट का नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने ये तमाम पैगाम रसानी आसिफ अली जरदारी से की। ये आसिफ अली जरदारी ने फवाद हसन फवाद साहब का नाम लिया जा रहा है ना शामी साहब, सादा लफ्जों में नहीं, वो यानी उनका जो बात कही जा रही है ये मनसूब की गई है कि फवाद हसन फवाद साहब उनको वरगलाते रहे या उनको ये पैगाम देते रहे। अब ये बात एक ऐसी है जिसमें बात गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ये मैंने जो अंदाजा था अंसारी साहब ने उसी की तस्दीक की। कुछ मजीद कहना चाहेंगे, सम अप कीजिए बात को जरा, फिर आपने खबर कैसे बनाई, क्या सुना आपने और कैसे? वो तो छप गई ना खबर। हाँ जी नहीं, इसमें शामिल सब सूरत हाल यह है कि ये एक पार्टी लीडर की गुफ्तगू नहीं है, ये एक हफ्ते में वो कुछ कम से कम 8 से 10 लोगों से मिले हैं और अच्छा। हमने उन सभी लोगों से गुफ्तगू करने के बाद इसको एक दूसरे लीडर से काउंटर तौर पे चेक किया है, वेरीफाई किया है कि यार ये फिक्रा क्या जरदारी साहब के मुंह से निकला, क्या मुशर्रफ के मुवाक़े पे उन्होंने ये बात कही, क्या उन्होंने ईंट से ईंट के ये बयान दिया, तो 2-3-4 जगहों से जब ये चीजें आपस में मिली, कड़ियां सब मिली, उनकी गुफ्तगू मिली, रेफरेंस मिले, तो उसी के बाद ये
स्टोरी फाइल की गई और हकायक भी यही बताते हैं कि ये पार्टी के किसी लीडर ने इस बारे में इख्तलाफ नहीं था कि आसफ अली जरदारी ने ये बात इस तरह नहीं की या इस तरह की है। बहरहाल यहां तक उनका ये हम इस बात को जायज समझते हैं कि उन्होंने बयान नहीं जारी किया और हमने भी उसको बयान के तौर पर जारी नहीं किया, हमने जराए पार्टी और जराए आसफ अली जरदारी के रेफरेंस से ही खबर फाइल। और जब आपने ये खबर फाइल कर ली, कल मैं इस वक्त मौजूद था न्यूज रूम में और चलती रही खबर ब्रेकिंग न्यूज की सूरत में, तब से तजिए उस पर होते रहे। पार्टी ऑफिशियल्स की जानिब से बाकायदा उस मौके पर एक घंटे दो घंटे या तीन घंटे तक कोई ऑफिशियली तरदीद भी नहीं आई थी लियाकत? उनके जो तर्जमान हैं आमिर सिदा तराता आसफ अली जरदारी के जो नए स्पोक्सपर्सन मुकर्रर हुए हैं, उन्होंने इतना बयान दिया था, एक वीडियो क्लिप है जो 13 सेकंड का 14 सेकंड का था कि आसफ अली जरदारी ने ऐसा हमने बिलावल हाउस से बयान जारी नहीं किया, इतना ही उन्होंने ये कहा। अच्छा चले, हमने बहुत 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 शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी साहब। देखे ना बात वही आप वाली कि बयान जारी नहीं किया, बयान जारी नहीं किया लेकिन गुफ्तगु जरूर की है। जो जो तफसील उसके अंदर है ना वो ये बता रही है कि मैं कहीं ना कहीं हुई हूँ, तो हुई है ना, कहीं ना कहीं बयान की गई हूँ। और जो वो लफ्ज सारे बताते हैं मैं किसी ना किसी के मुंह से निकली हूँ, कहीं ना कहीं डिस्कस हुई। जो लियाकत अंसारी ने एक और बड़ा बारीक नुकता उठाया अपने गुफ्तगु में, उन्होंने कहा कि अगर ये बातें ना हुई होती तो आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका शॉर्ट भी मैं सुनाऊंगा, पहले सुनना ले फिर सोलंकी साहब से बात करते हैं। देखें जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या कह रहे थे। मियाँ साहब के जो ड्रामा हो रहा है, मियाँ साहब ख्वाज आसिफ की तरफ से, बाबर साहब ने भी कहा है मैं ज़्यादा लेबर डे पे फोकस करना चाहता हूँ, लेबर के मिसाइल पर फोकस करना चाहता हूँ, एक ही दे मिलता है हमारे मजदूरों को तो हम उन पर फोकस प्लीज़ रखें। और हर देखे ना ये उनका बयान तस्दीक करता है। देखिए बात यह है कि जरदारी साहब जो हैं उनसे जो बातें मंसूब हुई हैं बाकायदा उन्होंने बयान जारी नहीं किया, इसलिए उसमें 19-20 हो सकता है, जेर जबर का फ़र्क हो सकता है, किसी लफ्ज़ का इस्तेमाल जो है वो हो सकता है ना हुआ हो, उसका महल वो ना हो, ये सारे इम्कान मौजूद हैं, लेकिन कंटेंट जो है बहसियत मजमुई वो वही है क्यों जी, उनका है। क्यों जी सोलंकी साहब, आपने किस हद तक 19-20 को नोट किया जी? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये पिछले जो 10 साल हैं उनकी जो सियासी तारीख है मुस्लिम लीग नवाज और पीपुल्स पार्टी के दरमियान ताल्लुकात की, उसके तालिब इल्म के तौर पर मेरे लिए और शामी साहब के लिए तहकीक के लिए काफी मवाद है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि दोनों अतराफ से, पीपुल्स पार्टी की तरफ से भी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, हकायक और सच के हवाले से कुछ ज्यादा कुशादा दिली का मुजाहरा नहीं हो रहा। सच इस दोनों के दरमियान कहीं है और जो कहानी बयान की गई, जो लियाकत अंसारी ने भी आपको बताया, उससे ये बात बिल्कुल वाजे है कि इसी तरह का बयानिया मुसलसल पीपुल्स पार्टी की क्यादत अपने रैंक एंड फाइल के लिए बयान कर रही है कि उनकी पुरख्वाहिश की वजूहात क्या हैं, और कुछ नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी कुछ बातें हो रही हैं। तो ये बातें, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हामिद मीर साहब ने भी उसके बारे में एक तफसीली पेपर दिया जो सीनियर सहाफी हैं, तो उन्होंने भी जरदारी साहब से बात की और उन्होंने फिर वही बात दोहराई कि जी मैंने तो कोई बयान नहीं दिया। तो बयान की तो यहाँ पर कोई बात नहीं है, बात बयान की कम और बयानिए की ज्यादा है। यानी फिकही तौर पर उनका मौकफ दुरुस्त हो सकता है लेकिन हकीकी तौर पर दुरुस्त नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुर्तजा सोलंकी साहब। सर एक ब्रेक मुझे लेनी है, आपका तबसरा इस पर रह गया, जरा तफसील से तबसरा करेंगे, ब्रेक ले लूं एक, उसके बाद जरा शामी साहब का इस सारी सूरत हाल पर सम अप करेंगे और कुछ ये भी जान लेते हैं लगे हाथों के मौजू छिड़ा हुआ है कि ये आखिर कब कैसे किन हालात में ये दोस्ती बिगड़ी और फिर वो यहाँ तक नौबत आ गई कि कुरान हदीस मुआहदे को ना समझा गया, उसकी उसके से ताबीर की गई और फिर ईंट से ईंट और वगैरह वगैरह, इस ब्रेक के बाद। पीपल्स पार्टी का वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब से मंसूब बयान आज सामने आए, कल जरदारी साहब का, नवाज शरीफ साहब का। तो शाम साहब आप सम अप कर रहे थे, देखिए कहा किसी ने या नहीं कहा, कब कैसे ताल्लुकात कशीदा हुए? बड़ी एक बड़ी बुनियादी बात यह है कि पीपल्स पार्टी तमाम तर खराबी के बावजूद और तमाम तर कमजोरियों के बावजूद
उसके अंदर एक सियासी करंट है, चीजों को सियासी, वो एक जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी है और उसके अंदर बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो सियासी सोच रखते हैं, ठीक है, और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। अब पीपल्स पार्टी के अंदर ये सवाल उठ रहा है, जरदारी साहब जो इतने सख्ती से नवाज शरीफ साहब को मुस्तरद कर रहे हैं और उनका हाथ झटक रहे हैं और सिस्टम में किसी इम्प्रूवमेंट के लिए उनके साथ तआवुन करने पर तैयार नहीं है, हत्ता के उनको चढ़ाने के लिए उन्होंने रजा रब्बानी साहब की कुर्बानी दे दी, उन जैसे शख्स को मुंतखब नहीं होने दिया चेयरमैन सेनेट। तो अब लोग अंदर सवाल कर रहे हैं भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अब जरदारी साहब उस सवाल का जवाब दे रहे हैं, लोगों को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो ये बात उनसे मंसूब हुई ना कि भाई मुझे तो वरगला कर वो ईंट से ईंट बजाने वाला बयान दिलवा दिया और फवाद हसन फवाद साहब उनको ये यकीन दिलाते रहे या वरगलाते रहे। देखिए इसमें ये बात बड़ा मुबालगा है, मैं ये नहीं समझता कि कोई शख्स बकायमी होशोहवास ऐसी बात कह सकता है। हो सकता है जरदारी साहब ने एक बात ना भी कही हो, क्योंकि जहाँ तक तो मुलाकात की मनसूखी थी वो पैगाम तो लेकर गए थे फवाद हसन फवाद के मुलाकात नहीं हो पाई, मुलाकात नहीं होगी नवाज शरीफ साहब का जो अगले रोज थी। हाँ। बाकी फवाद हसन फवाद का ये काम नहीं था कि वो उनको शीशे में उतारते या उनको वरगलाते या उनको सियासी मामलात के ऊपर उनकी ब्रेन वॉशिंग करते। वो जहाँ तक मेरा ताल्लुक है फवाद हसन फवाद से बहुत से इख्तलाफ के बावजूद, उनके मजाज से, उनके असलूब से, ये मैं समझता हूँ कि वो इस तरह के और इस कोमाज के शख्स नहीं है और ना ही जरदारी साहब को किसी तरीके से वो किसी सियासी एजेंडे के ताबे यानी उनको मिसलीड कर सकते हैं। ये जरदारी साहब ने जो कुछ किया अपनी इनिशिएटिव पे किया और उस पे उनको कायम होना चाहिए, उनकी अपनी जरूरतों का तकाजा था। अब एक बात मैं आपसे करूँगा, अब ये देखिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो लड़ाई है या अब कशीदगी है उसमें दोनों में से कोई भी बरी जमा नहीं है। हाँ। ताली दोनों हाथों से बजती है और दोनों ने अपने अपने वक्त पे ताली बजाई है। पहले तो और इसमें तफसील में कहां तक जाएं, जब पहले तो जब मिसाक जमहूरियत हुआ उसमें ये बात तय हुई थी कि उसके यानी किसी आर्मी यानी डिक्टेटर से अब मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, लेकिन फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुज़ाकरात किए परवेज मुशर्रफ से खुफिया और NRO उसके नतीजे में आया। फिर उसके बाद आप देखिए जो अदलिया की बहाली है उसका क्या मामला हुआ, जिस तरह जरदारी साहब उससे मुनारिफ हो गए, फिर और अब ये फिर गवर्नर राज लगा पंजाब में। हाँ जी। इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब जो थे उन्होंने भी जरदारी साहब के खिलाफ जब कार्रवाइयां हो रही थी और पीपल्स पार्टी के लोगों की पकड़ धकड़ हो रही थी और रेंजर्स और नैब के लोग लगे हुए थे, वो मुकदमे जो उस वक्त कायम हो रहे थे अब कहां गए, वो हवा में उड़ गए। उस वक्त उनको रोकने के लिए कुछ नहीं किया। जरदारी साहब जो ये कहते हैं ना कि नैब उनके खिलाफ जो एक्शन ले रही थी वो नवाज शरीफ की शपथ, ये बात बिल्कुल गलत है। नैब वजीर आजम के नीचे नहीं है, लेकिन नैब की उस वक्त जो इसलाह हो सकती थी जरदारी साहब और मिलकर नवाज शरीफ साहब कर सकते थे, उसमें नवाज शरीफ साहब ने तआवुन नहीं किया और आज उसकी सजा वो खुद भुगत रहे हैं। तो बात ये कहना यकतरफा बातें करना बहुत नामुनासिब है और ख्वाजा आसिफ साहब जो डिटेल्स पे गए हैं उनमें भी बड़ी सदाकतें हैं दोनों। तो कहते हैं एक पूरा प्रोग्राम करने को मैं तैयार हूं, मैं बताऊंगा क्या मामला हमारे दरमियान डिस्कस होते रहे कैसे कैसे, और यह बात भी दुरुस्त है पार्टी क्यादत तक लाने में हमारा किरदार है। अमीन फहीम जो थे वो वजीर आजम समझे जा रहे थे, उनको सिक्का बंद, उनका पोलिटिकली डिस्पोज ऑफ, उनको फारिग करके फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब को आगे लाया गया। सुना दूं खाया साहब को जरा, नहीं वो अब सुना दे, चले देखें थोड़ा सा अगर वक्त है तो। अदर देखिए अदरवाइज देखिए दोनों जब आप बालग नजरी सियासत में कोई आखिरी हर्फ नहीं होता, जरदारी साहब को भी और नवाज शरीफ साहब को भी अपने अपने हिस्से का बोझ उठाना ही नहीं चाहिए ताकयामत, उनको खड़े होकर सोचना चाहिए सिस्टम की जो इसलाह हो सकती है वो जरूर कर दें, एक दूसरे को रिलीफ दें या ना दें। फिर ये मौका आज जो मौका है शायद फिर कभी हाथ ना आए, ये बड़ी आम बात है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब को सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से।
जाहिर साहब जो बीबी शहादत के बाद जब वापस आए हैं और हम जो है पुरसे के लिए कुल्लों के पे हम लड़कानेंगे, जाहिर साहब मुझे और मेरे ख्याल एक दो और साथी थे और मियां नवाज शरीफ साहब थे, उनको एक अलहदा कमरे में ले गए और उन्होंने हमारी मिनटें करनी शुरू कर दी। मैं इस पार्टी की क्यादत संभालना चाहता हूं और मेरी मदद करें। जिस तरह बोझिल दिल के साथ मेरे खिलाफ फैसला लिखा गया उसी तरह ये बोझिल दिल के साथ ये कह रहा हूं। उसके बाद एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए जिसमें मैं अपने आप को भी कल्प्रिट जो है करार दूंगा, इसमें अमीन फहीम साहब को डिस्पोज ऑफ किया गया। पॉलिटिकली डिस्पोज ऑफ करने में हमने मदद की जरदारी साहब की, और जरदारी साहब का कब्जा जो है इस पार्टी के ऊपर मुमकिन बनाया। ये सारी स्टोरी जो है इसके बिलावल भी गवाह है, उन्होंने बिलावल साहब को बुला के मेरी मौजूदगी में ये सारी जो बात का एतराफ किया कि ये एहसानात हैं, मेरा भी उन्होंने कहा कि भाई ये इसके एहसानात हैं, इसको याद रखना। ना उन्होंने मुझे याद रखा, ना उन्होंने मियां नवाज शरीफ का एहसान याद रखा, मैंने ये मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझे। और मजीद भी आगे वो कई डिटेल देखिए, मुशर्रफ साहब पर जो मुकदमा है उसके हवाले से भी दोनों जमातें एक दूसरे को धोखा दे रही हैं। बुनियादी तौर पर जरदारी साहब वो मुकदमा नहीं चलाना चाहते, नहीं चलाना चाहते। हाँ। और नवाज शरीफ साहब ने जब वो मुकदमा चलाया है, फैसला किया है, उसके बाद एक सियासी बसात उलटने के फैसले हुए हैं। नवाज शरीफ साहब की जो मुश्किलात हैं उनमें जो अजाफा हुआ है उसमें इस फैसले का बड़ा हिस्सा है। आगाज नुक्ता आगाज, नुक्ता आगाज ना भी हो हाँ। तो नुक्ता इंतहा जो है ठीक वो जरूर। चलें, एक ब्रेक का वक्त यहाँ पर आन पहुंचा है, ब्रेक की जाने में बढ़ेंगे, लेकिन दो बयानात हैं नवाज शरीफ साहब के आज वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। मुख्सर कहते जी, क्या जरदारी साहब इतने ही भोले और मासूम थे कि मेरे वरगलाने में आ गए? और एक बड़ा अहम जुमला उन्होंने उनके बयान से मनसूब है नवाज शरीफ साहब को, कहते हैं कि मुशर्रफ से इख्तलाफ का ये मकसद नहीं होना चाहिए था कि इदारे की ईंट से ईंट बजा दी जाए। जो बयान उन्होंने दिया, जी जो बयान उन्होंने दिया था, तो दारे वो बयान तो अब खुद बोल रहा है और जरदारी साहब के अंदर कोई और नहीं बोल रहा था। ठीक, वो तोते नहीं थे, ठीक है, वो खुद बोल रहे थे। हाँ। और उनको जरा जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए, बड़े लीडर शेयर बनना चाहिए, कैसी कौन सी बात है। सही है, एक ब्रेक हम ले रहे हैं, वापस आते हैं तो हजारा बरादरी की फरियाद सुनने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्त कम है। शामी साहब, जो पहला मौजू था हमारा राना सनाव साहब का बयान, शबाश साहब ने माजरत की, राना साहब ने प्रोग्राम में अल्फाज वापस लिए, मियां महमूद रशीद साहब ये कहते हैं बाकायदा बयान आ गया है जी उनका, शबाश शरीफ साहब का, जिसमें कैटेगोरिकली उन्होंने माजरत तलब की है। महमूद रशीद साहब कहते हैं कबूल नहीं है, वो कहते हैं इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा चाहिए राना सनाउल्लाह का। अब ये सियासत है, अब जो जो अपनी सियासत महमूद रशीद साहब करें और राना सनाउल्लाह साहब करें, एक दूसरे से निपटें। लेकिन ये इब्रारुल हक साहब, इब्रारुल हक साहब अभी इन्होंने आज, क्योंकि युवा मजदूर है तो उन्होंने लेबर डे को यूज़ करते हुए एहसन इकबाल साहब को मुबारकबाद दी और कहा कि जी आप तो दुनिया के अमीर तरीन लेबरर हैं क्योंकि आप इकामा रखते हैं और लूटते हैं, लूट मार करते हैं एक वजीर के तौर पर, तो सून बहुत जल्द आपको भी लेबर पेन होगी। यानी ख्वातीन से मंसूब इस्तलाहात जो अंग्रेजी अंग्रेजी जरा कमजोर है या अच्छा फिक्र चुस्त किया लगे, अंग्रेजी के उस्ताद रहे हैं वो। और एक बार ये देखिए, ये भी सियासत है, अब्रारुल हक भी सियासतदान है, हसन इकबाल भी सियासतदान है, एक ही हलके से दोनों का ताल्लुक है, दोनों को सींग फंसाने दें और छोड़े। चलें, मैं कोयटा चलता हूं, चलो कोयटा चले, जो हजारा पे गुजर रही है सर वो बड़ी नाकाबिल बयान है। देखिए, कुछ अर्सा खामोशी रही, उसके बाद फिर उनके ऊपर कातलाना हमले हो रहे हैं सर, ये धरना दिए बैठे हैं। जो अप्रैल के महीने में चार बार उनको अटैक किया गया और हफ्ते जो गुजरा हफ्ते को दो शॉपकीपर्स मार दिए गए, उससे पहले जो इतवार गुजरा तब दो शॉपकीपर्स मार दिए गए और दो और वाकयात हुए। इसके अलावा जो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है उसकी एक रिपोर्ट आज मैं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा है कि 5 सालों में इस बरादरी के 509 अफराद को ऐसी ही दहशतगर्दी की वारदातों में देखिए एक चैलेंज है, इनकी हिफाजत जो है ये चैलेंज है, और जो लोग इनको टारगेट किए हुए हैं, अभी 3-4 रोज हो गए हैं सरापे एहतजाज है, उनको कैफरे करदार तक पहुंचाना, एहसन इकबाल साहब, सरफराज बख्ती, अब्दुल कुदुस बिन, जो तीनों से मुजाकरे उनको जाए, चीफ आर्मी स्टाफ वहां उनके दिल पे हाथ रखें और दिन रात एक कर दें, उनके जो मुलजम है उनको कैफरे करदार तक पहुंचाएं
और पकड़े, बल्कि जान वासिल करें उनको। ठीक, हमारी सब हमदर्दी इनके साथ है। हजारा हमारे भाई हैं, मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात आसान करे। ठीक, यौमे मजदूर है या यकुम मई है? देखा यकुम मई है, मजदूरों का नाम लेंगे, जुलूस निकाल लेंगे, जलसे करेंगे, अमलन कुछ होता नहीं है। यहाँ जो मजदूरों के लिए घर बनने चाहिए, बड़े मकानों पर अमलन तो पाबंदी लगनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान में वक्त आ गया है कि 10 मरले से बड़ा मकान बनना ही नहीं। पाबंदी लगा दें। हाँ जी, लगने देंगे ये लगने देंगे ये, और मजदूरों के लिए और छोटे दो दो कमरे के मकान बनाए मजदूरों के लिए। और ये जो घरेलू मुलाजमीन है ना, इनके लिए तो आप जाके देखें, चार चार केनाल की, दो दो केनाल की, आठ आठ केनाल की कोठियाँ, और जो वो और तंगो तारीख यानी कमरे हैं जो सर्वेंट्स के लिए रखा जाते हैं, पिछवाड़े में छोटा सा कमरा, हाँ। उनके लिए भी वैसे ही बेडरूम बनाए जाएं, वैसी ही सहूलतें हों उनके अंदर जैसी मालकान मकानात के लिए हैं। तो ये भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, बशर्ते कोई करना चाहे। अच्छा जी, अब आप देखिए जो अवामी रब्ता मुहिम है, सहीवाल में जलसा है? नहीं नहीं, आप सुनिए, वो जलसा होता अभी तक नहीं है। आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? वो नवाज शरीफ साहब का जलसा है जी जी, फुर्की नदीम साहब कहते हैं लाइव कवरेज नहीं हो रही, लेकिन टिकट चल रहे हैं, जब वो आएंगे तकरीर करने करेंगे तो फिर देखेंगे। अब तो ये चैनल्स की जिम्मेदारी है ना, हम इसमें क्या कर सकते हैं। आप देखिए, मौलाना मोहम्मद सालिम कासमी जो दारुल उलूम देवबंद वक्फ के मुहतमिम थे और हजरत मौलाना कासिम नानोतवी के पोते, हाँ। और मौलाना तैयब कासमी के बेटे दारुल उलूम वक्फ देवबंद वक्फ के, हाँ। मुहतमिम, वो इंतकाल कर गए, हम उनके जन्म